प्यारे बच्चों जय हिंद। दसवीं कक्षा में हमारा आज का कार्य पत्रक है 76 और अब इसमें हम हिंदी में पढ़ रहे हैं अपठित काव्यांश। हमने अपठित गद्यांश पढ़ा और हमने देखा कि वो गद्यांश जो हमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा था उसको हमने पढ़ा और उसको पढ़कर समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों के हमने उत्तर दिए। बच्चों, CBSE के पेपर का इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला है। पहले अपठित काव्यांश के नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे, उनके उत्तर आपको लिखने होते थे, किंतु इस बार आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे यानी MCQ। आपको एक प्रश्न के चार नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, आप उसमें से सही को चुनेंगे, तो हो गया ना आपके लिए बहुत आसान। तो बच्चों, अब हम इस अपठित काव्यांश को देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। और जब भी आप किसी अपठित काव्यांश को पढ़ें तो उसे इस उचित लय ताल यति गति के साथ पढ़ें, जैसा कि आपको कविता पढ़ाते समय मैं पढ़ाती हूँ। जब हम उसको उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ते हैं तो हमें वो जल्दी समझ आता है, बार बार उसे पढ़ना नहीं पड़ता। तो चलो पढ़ते हैं इसे। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो, पराजय कोई विकल्प नहीं है, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, आलस्य निराशा त्याग तुम जी जान से कोशिश करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, संघर्ष के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, पत्थरों को चीर कर है झरना बहता, प्यास सफलता की होगी पूरी, अग्नि जी जी विषा की प्रज्वलित करते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं, हारा वही जो गिर के फिर उठा नहीं, आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे, यूं जुनून की हद से गुजरते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। तो बच्चों, कितनी आसानी से हमें समझ में आ गया कि जीवन के संघर्ष का परिचय देते हुए कवि कह रहा है कि जीवन तो है ही संघर्ष, इससे हर हाल में लड़ना है, पराजय नहीं स्वीकार करनी है, लक्ष्य का पीछा करना है, खूब मेहनत करनी है, जी जान से कोशिश करनी है, अपने आलस्य निराशा सब चीज़ त्याग देनी है। हारा तो वही माना जाता है जो गिर जाता है तो उठता नहीं, इसलिए अपने आगे आसमान को भी झुका दो, पुरुषार्थ यानी खूब मेहनत करो। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। खालिस्तान दिया गया है और आगे लिखा है कोई विकल्प नहीं है। किस चीज़ का कोई विकल्प नहीं है? आप ऊपर जो काव्यांश है उसे पढ़िए, आपको तीसरी पंक्ति में दिखेगा पराजय का कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, जीवन संघर्ष विजय और पराजय, तो आप इसमें घ पराजय को चुनेंगे। इसी प्रकार आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, हमें किसका त्याग करना चाहिए, मेहनत कैसे रंग लाएगी, आसमां किसके आगे झुकता है, हम इस कविता से प्रेरणा पाते हैं कि, तो आप बच्चों, आपके लिए काव्यांश बहुत सरल हो गया है। इसके जो है संभावित उत्तर है आपको दिए गए हैं, आप इनका जो सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, उसे चुनिए, उसे लिखिए और जल्दी से मेरे पास भेज दीजिए।